अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राका पोची। और कल जब हम नलतर से नीचे आए थे नोमल की तरफ, तो हमने हुंजा की तरफ आना था, तो रास्ते में काफ़ी रात होने की वजह से हमने इधर एक रेस्टोरेंट है राका पोची के करीब, ये हमारा रूम है। रूम ज़रा थोड़ा सा बुरी हालत में है क्योंकि सारे दोस्तों का सामान इधर ही पड़ा है, और रात को बस हड़बड़ी में हमने अपना सामान रखा है। और अब इंशाल्लाह यहाँ से आगे जाएंगे, लेकिन सामान हमारा जो है वो यहीं पर पड़ा रहेगा। तो वापसी पे जब हम वापसी का सफ़र शुरू करेंगे, तो आते हुए यहाँ से सामान को कलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा वो रूम है जहाँ पे हमने रात को स्टे किया था। इस होटल का नाम है राकापोशी व्यू पॉइंट। तो लेट्स आपको ज़रा थोड़ा सा इधर का व्यू भी दिखाते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल मेरे सामने माउंटेन ऑफ राकापोशी ऊपर है, और इस जगह हमने रात को स्टे किया था। एंड ये हमारी बाइक्स और साथी जो के बेचता सामान जो है, ये अभी भी ऊपर पड़ा है। मेरा भी कुछ सामान ऊपर पड़ा है और शफाकत भाई का भी कुछ सामान ऊपर पड़ा है। तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये वो होटल है जहाँ पे हमने रात को स्टे किया था। अब बस हमारे जो उस्मान भाई हैं, वो उनका थोड़ा सा मसला है बाइक का काम करवा कर उस्मान भाई की, उसके बाद फिर हम आगे का सफ़र शुरू करेंगे। ठंड काफ़ी है, माइनस में है। आप मेरी तैयारी से देख ही सकते हैं कितनी ठंड है यहाँ पे। तो पैर मेरे जो हैं, उसके टोज जो हैं, बिल्कुल जमे हुए हैं, और आई कैन नॉट फील माई फीट। लेकिन खैर, अब नाश्ता करेंगे और बाइक का काम करवा के फिर आगे इंशाल्लाह अताबाग लेक की तरफ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। राकापोशी की तरफ जा रहे हैं इस वक्त, और देखते हैं कि राकापोशी क्या मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त धूप निकली हुई है इस वक्त, लेकिन ठंड भी बड़ी शदीद है। और मेरी जो कैमरा की बैटरीज हैं वो भी ठंड की वजह से जल्दी ड्रेन हो रही हैं, जिसकी वजह से मुझे इसको डायरेक्ट अपनी बाइक के साथ चार्ज करना पड़ रहा है। और आई कैन नॉट फील माई फेस एट द मोमेंट, क्योंकि बहुत ठंड आ रही है आगे से। मुझे जो अपना वाइज़र है इसको खोलने रखना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी जो चार्जिंग की केबल है इसकी कैमरा की, वो मैंने लगाई हुई है, और माइक जो है वो एक्सटर्नल यूज़ कर रहा हूँ। That's the mountain, Raakaposhi. Benji, welcome to Hunza, and this is the Raakaposhi, the mountain of mountains. बहुत ही मशहूर तरीन पहाड़ है ये, Karakoram International University Hunza Camps Campus. Okay. दोस्त की बाइक ख़राब है, जिस वजह से उसे हमजा तो लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैकेनिक्स नहीं है। चीज़ें तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन एक दो औज़ार जो हैं जो डी रॉड है एक का, वो हमारे पास नहीं है। बाकी तो सारा सामान मौजूद है, तो वो कोई मैकेनिक ही सही कर सकता है। ये यहाँ के मुकामी लोग हैं, माशाल्लाह बड़े मेहमान नवाज और खुश दिल लोग हैं, इन्होंने बड़ी हेल्प की है। और यहाँ के लोग हैं हुंजा के, जो हमें ट्रक था वो लेके आया वापस हमें।
उस्मान भाई अब ज़रा स्माइल करना शुरू कर रहे हैं क्योंकि रात की इनकी स्माइल रुकी हुई थी और माशाल्लाह अब इनकी स्माइल जो है वो बायसर रहमत बन के हम बस रही है। जी तो दोस्तों क्लच प्लेट्स वगैरह जो हैं वो हो गई हुई हैं चेंज और बस ये रहमत भाई हैं जो हमारे लिए बायसर रहमत हैं, इन्होंने क्लच प्लेट्स वगैरह का काम किया है। अब ऑयल ड्रेन कर लिया हुआ सारा और उसके बाद अब दोबारा ऑयल रिप्लेस होगा जो हमारे पास मौजूद है। और ये सामान जो है ये आप जो देख रहे हैं ये सारा हम लाहौर से लेके आए थे जो कि काम आ रहा है और कोई भी काम कोई भी सामान जो है वो काम आ सकता है। और यहाँ पे सामने मेरे राकापोशी का व्यू पॉइंट है। जबरदस्त चाय बनानी है आपने, चीनी धो के और पत्ते धो के। ठीक है जी। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त बैठा हूँ अली आबाद हमजा में और इस वक्त खाना वगैरह जो है वो हमने खा लिया है और बस ये पीछे जो है चाय पीने के लिए रुके थे। यहाँ पर मोस्टली जो दूध है वो डब्बे का दस्तयाब होता है। खैर बड़ा खूबसूरत सा एक छोटा सा ये शहर है, मैं भी आपको इसका थोड़ा सा विज़िट कराता हूँ। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये खूबसूरत तरीन हमजा का बाज़ार है और यहाँ पर तकरीबन हर चीज़ आपको दस्तयाब है, खाने पीने की अशिया और खुर्दोनोश की, उसके अलावा मोबाइल शॉप्स हैं, टक शॉप्स हैं और बैंक्स हैं, इवन आप एटीएम वगैरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं और किसी किस्म का कोई मसला नहीं है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ दस्तयाब है यहाँ पर। लेकिन आगे हम जहाँ जा रहे हैं वो अताबाग लेक है, अताबाग लेक के बाद हमने वो जो हमजा के मशहूर किले हैं वो भी देखने हैं इंशाल्लाह। आज जो है वो हमारा जो टूर हमजा था लाहौर टू हमजा वो कम्प्लीट हो जाएगा और कल इंशाल्लाह जो है वो हमारी वापसी का सफ़र जो होगा वो शुरू होगा। करें 7 किलोमीटर लंबी टनल्स जो कि हमजा अताबाद में वाक़िया हैं। ये टनल्स सतह समंदर से 2500 मीटर बुलंदी पर मौजूद हैं। चाइना और पाकिस्तान के इश्तराक से तमीर करदा ये 5 टनल्स जिसमें सफ़र करने के बाद आपको महसूस होता है कि इनको बनाने में कितना वक्त और मेहनत दरकार रही होगी। 5 टनल में से टनल नंबर 2 और 4 की लंबाई बहुत ज़्यादा है और देवहैकल पहाड़ों को चीर कर ये सुरंगें बनाई गई हैं। इस जगह सफ़र का एहसास बयान से बालातर है और जब आप टनल नंबर 5 से एग्जिट लेते हैं तो आपके सामने जो नज़ारा होता है आपकी ज़ुबान से बिला इख्तियार माशाल्लाह और सुबहानअल्लाह निकलता है।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अताबाग लेक। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हमारा कोशिश तो थी कि अताबाग लेक के ऊपर बाइक चलाएं, लेकिन इस सूरत में बाइक चलाई तो हो जाएंगे डूब जाएंगे। जो लेक है वो बिल्कुल पानी बन चुकी है। दिसंबर में जो होती है ये इस सूरत में होती है कि आप यहाँ पर बाइक चला सकते हैं और इवन आप इस सर्विस के ऊपर पैदल चल सकते हैं। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं अताबाग लेक, और बड़ी लंबी तरीन टनल्स जो थी वो गुजार के आपको यहाँ पर लाती हैं। वो मेरे बिल्कुल सामने एक टनल है, वो मेरे बिल्कुल सामने, जो कि आपको जब आप वहाँ से निकलते हैं तो आपको ये व्यू, ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है जो कि मैंने कैप्चर किया है। और अब हम जा रहे हैं अलती तौर बलती जो फोर्ट है उसकी तरफ। कोशिश करते हैं कि हमें वो फोर्ट जो है वो खुले मिल जाए, लेकिन 5 बजे वो बंद हो जाते हैं। और कोशिश करते हैं कि वहाँ तक पहुँच जाएँ, लेकिन मुश्किल है क्योंकि काफ़ी सफ़र करना पड़ेगा पीछे की तरफ। साथी बिल्कुल तैयार हैं और अब हम जा रहे हैं अलती तौर बलती फोर्ट की तरफ। जी तो दोस्तों, ये दो राय हैं। अगर आप अलियाबाद से आगे की तरफ आएंगे तो हुंजा अताबाग लेक ये नीचे की तरफ है, और जो फोर्ट्स हैं अलतीत और बलतीत जो फोर्ट हैं वो ये ऊपर की तरफ है। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये नीचे की तरफ से आप जाएंगे, आपको टनल्स और वो जो 5 टनल्स हम देख के आए हैं वो देखने को मिलेंगी, और ऊपर की तरफ जाएँगे तो आपको फोर्ट्स और दो जो फोर्ट हैं यहाँ के हुंजा के बहुत मशहूर वो देखने को मिलेंगे। तो अब हम जा रहे हैं आगे फोर्ट की तरफ। अब हम जा रहे हैं अलतीत और बलतीत फोर्ट की तरफ, देखते हैं जाके अगर वो खुले हैं तो वहाँ पर जाके थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन करते हैं उस जगह की। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस चौक में जहां से अलतीत और बलतीत फोर्ट दोनों फोर्ट के रास्ते जुदा होते हैं। हमारा जो अलतीत फोर्ट है वो है इस तरफ, इस तरफ, और जो बलतीत फोर्ट है वो है इस तरफ। जी हम जा रहे हैं बलतीत की तरफ, और बलतीत फोर्ट जो है हम देखेंगे। अलतीत देखना था लेकिन उसको हमने लेटर पे कर दिया, बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम जा रहे हैं बलतीत फोर्ट। मैं इस वक्त खड़ा हूँ हुंजा में, और हुंजा में ये मैं जिस दुराहे पे खड़ा हूँ ये अलतीत और बलतीत फोर्ट का दुराहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं दोनों नहीं कवर कर पाऊँगा क्योंकि हमने वापस जाना है और फोर्ट्स जो थे वो बंद हो चुके हैं शाम 5 बजे। इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और हमें अभी भी बाइक से, ये देखें मेरे दोस्त खड़े हैं, अभी भी हमें बाइक से ला के वापस जाना है। तो काफ़ी ठंड भी है रास्ते में, और रास्ता भी काफ़ी जो है वो लंबा है। तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ वापस, इंशाल्लाह इस समर में मैं दोबारा वापसी करूँगा और अलतीत और बलतीत दोनों फोटो को कवर करेंगे इंशाल्लाह। आपका और मेरा सफ़र यहाँ तक का था, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।